बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे तरबूज का शरबत। ये शिकायत बहुत रहती है कि घर में वैसा टेस्ट नहीं आता जैसा बाज़ार से पीते हैं। तो अगर आप आज की वीडियो को देखेंगे और इसे फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बाज़ार जैसा टेस्ट भी आएगा और आपका शरबत जो तरबूज का वो बाज़ार से बनेगा भी इंशाल्लाह अच्छा। तो ये तरबूज है एक बड़े साइज़ का हमारे पास। सबसे पहले इसको काटते हैं हम। गर्मियों के मौसम में, क्योंकि ये सेहत के लिए भी बड़ा अच्छा होता है, पानी की बहुत ज़्यादा मकदार होती है इसमें, तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये पानी है और इसमें अब हमने तरबूज की कटिंग करके डालना है। इस तरह पहले कट लगाएंगे और इस तरह बिल्कुल छोटे छोटे शेप का हम तरबूज जो है वो काटेंगे ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तो तरबूज की जो है ना वो कटिंग हमने कर ली है, कम ज़्यादा कर सकते हैं तरबूज। और ये जितना हमारा पानी है इसमें जितना हमने पानी लिया इसमें इतना तरबूज जो है वो काफ़ी है। बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ा सा हमने पानी डाला पतीली के अंदर और अभी इसमें हम तकरीबन उतनी ही चीनी शामिल करते हैं और सिरप बनाना है हमने। तो इसको हाल होने देंगे पानी के अंदर और थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, थोड़ा सा सिरप जो है वो हमारा तैयार हो जाए। 4 से 5 लीटर हमारे पास पानी था और तरबूज जो है वो बड़े साइज़ का एक था, वो हमने इसके अंदर कटिंग करके डाल दिया। तरबूज कम ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन हमने अपने हिसाब से डाला है तो ये काफ़ी है हमारे हिसाब से। बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे, बर्फ़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठंडा जितना आपको पसंद है, बर्फ़ आप उस हिसाब से शामिल कर सकते हैं। बर्फ़ भी हमने डाल ली और ये हमारे पास, इसे सिरप भी कह सकते हैं आप। तो ये हमने तैयार किया है चाशनी जिस तरह तैयार करते हैं पानी में डाल के, तो ये थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि तरबूज उतना मीठा नहीं होता, इससे जो मीठे की कमी है वो पूरी हो जाएगी। अगर इस पानी में हम चीनी हल करते तो वो थोड़े से क्रिस्टल रह जाते हैं। इसमें हमने इसका सिरप तैयार कर लिया तो अभी इसको हम डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। अपना जामे श्री रूहे अफजा कोई भी आप ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जितना बना रहे हैं इसमें एक प्याली जो है वो ये चला जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। ये जिस तरह बाज़ार वगैरह से आप पीते हैं उससे भी अच्छी क्वालिटी का खुद घर पे आप बना सकते हैं। ना ये लो, तो अफ्तारी में तरबूज का शरबत जो है वो वैसे भी बहुत पसंद किया जाता है क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लगी होती है, गर्मियों के रोज़े होते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।